ये देखिए, आज मैंने ये दुपट्टे पे लेस लगाई है और ये इसके कोने बने हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये मैंने दुपट्टे पे लेस किस तरीके से लगाई है। ये दुपट्टा है और इसमें मुझे लेस लगानी है। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल लेस है, ये देखिए ये सिंपल लेस है और सिंपल नहीं लगाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये मैं इसमें ये फ्रिल वाली लेस लगाना चाहती हूँ। देख लेते हैं कि ये मुझे दोनों साइड लगानी है वैसे तो, मगर क्योंकि दोनों साइड लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी, मगर एक साइड होती है कि दो साइड, उसने तो मुझे दोनों साइड के लिए दी है ये, मगर चलिए देख लेते हैं कि कैसे लगानी है लेस। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगी उल्टी साइड से। ये देखिए ये मेरी सीधी साइड है, बार बार एक ही जगह सिलाई करने से फटने के भी चांस है। तो ये देखिए मैं दोनों लेस को एक साथ लगाऊंगी। तो ये मैं कैसे लगाऊंगी फ्रेंड्स, ये देखिए ये ऊपर रखूंगी, नीचे रखूंगी सॉरी, और ये वाली मैं ऊपर रखूंगी। तो इसका मैं सिर्फ किनारा किनारा जो है उसके नीचे रखूंगी। ये देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उल्टी साइड रखा हुआ है। ये देखिए उल्टे साइड ही रखना है आपने, सीधे साइड नहीं रखना है। ये देखिए, और फिर ज़्यादा नीचे वाली लेस को ज़्यादा नहीं दबाना है, थोड़ा थोड़ा दबाना है। ये देखिए आराम से लगाते जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कपड़े का प्लस ये नीचे वाली लेस का और ऊपर वाली लेस का। अगर एक भी आपकी छूट जाती है तो सिलाई आपकी निकल जाएगी, सबसे मेन यही है और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इसमें सिंपल सिलना है, कोई जो नए लोग होते हैं वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत जल्दी लग के और कोई भी लेस या कपड़ा कोई भी खींचना नहीं है, आराम आराम से लगाना है। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कोना आ गया है, तो कोने पे आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कोना आ गया है। ये देखिए, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपल लेस लगाते हैं, जैसे लगा रहे हैं इसको, इसी तरीके से लगाते हुए जाना है। बस क्या करना है कोने पे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जब कोना आएगा तो इसको हमको थोड़ा सा लूज छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से मशीन के अंदर दबाएंगे और जहाँ भी ये, अब इसको मुझे कपड़े को फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा कोना आ गया है। ये देखिए, इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट में किया था उसी तरीके से करना है। सुई अंदर रखनी है फ्रेंड्स कपड़े के और लेस के बीच में, और फिर उसको हमें इस तरीके से घुमा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कपड़े और लेस के बीच में सुई रखनी है और फिर फुट को उठा देना है। ये देखिए ध्यान से मैंने फुट को उठा दिया है, और फिर हम इसको लेस को घुमाते हुए, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा लूज छोड़ना है फ्रेंड्स, घुमा लेना है, हल्का सा लूज, खींचना नहीं है, बस हल्का सा लूज। दो लेसें हैं इसीलिए आपको ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स, एक लेस होती तो आपको तुरंत आ जाता, मगर जब लगाएंगे तब देखना आप एकदम
इजीली लग जाएगी। ये देखिए इस तरीके से लूज छोड़ देना और कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इस टाइप से आ गया है जो लास्ट वाला कोना है हमारा। अब हमको कुछ नहीं करना है। ये देखिए इस वाली लेस को इस तरीके से रखेंगे और इस वाली को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। उतना ही फोल्ड करना है जितना इसके ऊपर देखिए इस तरीके से आ जाना चाहिए। ये देखिए मेरा कितना अच्छे से कोना बन के रेडी हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों पीस को हमको ऐसे, ये जो दोनों पीस के हमारे कोने हैं वो बराबर में मिलने चाहिए। और जो दूसरी लेस है फ्रेंड्स उसको भी मैं इधर से लगाना स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे ये दोनों साइड चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा सीधी साइड हो गया है। ध्यान से देखिए ये जो मिरर वर्क है ये सीधा हो गया है और कुछ नहीं है, उसको हमने फोल्ड कर लिया है। ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा। देखिए जब कोना आएगा ये देखिए अपने आप, देख रहे हैं फ्रेंड्स अपने आप, ध्यान से देखिए ये इस तरीके से अपने आप फोल्ड हो जाएगा। ये वाला पीस मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। ये देखिए इसको भी मैं आपको बताती हूँ कैसे फोल्ड करना है। ये ऐसे इसका भी कोना बनाना है फ्रेंड्स और फिर मैं कोने पे एक सिलाई चला दूँगी। ये देखिए इस तरीके से फिर मैं इसको दोबारा से ले आऊँगी और फिर उसी के अनुसार हम सिल लेंगे। ये देखिए मेरा कोना कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया। अभी मैं दिखाती हूँ पेन बिल्कुल पास में ला करके। देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर से बना है, कोई कुछ नहीं है। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा कोना आ गया है। ये इस टाइप से होता है, ये लूज छोड़ देते हैं तो इस टाइप से होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए ऐसे उंगली रखनी है और इसको फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड फ्रेंड्स, ये जो हमारे ये वाले कोने हैं ये भी हमारे मिलने चाहिए, तभी वो फोल्ड हमारा तभी सक्सेस होता है, नहीं तो कोना अच्छे से नहीं, तिरछा बन जाएगा। अब इस वाले का भी मुझे इसी टाइप से कोना बनाना है, सेम सिलाई पे मिलना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए ये मेरा मिल गया सेम पे और हम इसको अब सिल लेंगे और इधर से लेके इधर तक सिलाई डाल देंगे, फिर वापस लेके आएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे से कोना बना है फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत सुंदर से लग गया है। इसी तरीके से आपको चारों तरफ कोना बना के सिल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी लेस लग के रेडी हो गई है। ये देखिए ये इतना अच्छे से कोना बना है फ्रेंड्स और ये देखिए कितने अच्छे से लग के रेडी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स ये हम कैसे लगाए हैं देख लेते हैं और इसको मैं फोल्ड कर भी दिखाती हूँ अभी आपको। ये सिंगल लग रहा है फ्रेंड्स इसलिए, नहीं तो ये डार्क कलर है और ये अब ज़्यादा तीखा लग रहा है, मगर इसके अंदर ये देखिए ध्यान से ये वाले स्टोन लगे हुए हैं। तो ड्रेस में भी ऐसे ही हैवी गोल्डन वर्क हुआ है इसलिए ये थोड़ा तीखा जैसा लग रहा है, मगर बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं अभी फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको।